हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सर, विद्यार्थी मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। अगर आपके प्रति मेहनत करता हूँ तो आप सभी का फर्ज बनता है कि वीडियो पूरा देखने के बाद अपने अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। अब आते हैं प्रश्न पर। साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री इक्वल टू कोस 15 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री। तो सिद्ध करना है ये LHS भाग हो गया या RHS भाग हो गया। तो ये LHS से अगर लें या RHS से लें, RHS से लेते हैं तो LHS आना चाहिए, या LHS से लेते हैं तो RHS आना चाहिए। तो इसको LHS से लेते हैं। ये ध्यान में रखना होगा कि देखिए यहाँ कोस 15 डिग्री है, तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये साइन है, तो इसका 90 के फॉर्मूला पर शो करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो ये कोस के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ साइन है तो इसको भी तोड़ना होगा तब कोस में आएगा, क्योंकि ये दोनों साइन में है और ये दोनों कोस में है। तो इससे मुझे मालूम होता है कि ये दोनों को मुझे तोड़ना पड़ेगा तब मेरा कोस में आएगा। तो LHS से लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, LHS आपका है साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री। तो साइन 90 पर तोड़ते हैं, साइन 90 माइनस 90 में अगर 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। यहाँ 50 लिख दिए प्लस साइन, इसको भी 90 में तोड़ेंगे, 90 में अगर 75 घटाएंगे, 90 में 75 घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो इस जगह ये थीटा ये हो गया, 50 को हम थीटा मान लिए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। थीटा की जगह हम 50 लिख दिए, यहाँ प्लस है प्लस दिए। अब देखिए ये साइन, साइन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 15 जो डिग्री है इसको थीटा माने, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 15 डिग्री हो गया। अब देखिए ये तो इसको तोड़ दिए, अब LHS ये है, RHS ये है, तो RHS देखिए मिल रहा है, RHS मिल रहा है कोस 50 डिग्री और कोस 15 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो गया, ये LHS हो गया। तो आता LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि ये मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आएगा उसमें रहेगा साइन कोस रहेगा, तो ये ध्यान देना है कि इसको हम किसको तोड़ेंगे, तो मेरा इधर RHS प्रूव होगा, ये भी ध्यान देना है तोड़ने वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर क्वेश्चन आपका है कोस 1 डिग्री माइनस कोस 89 डिग्री इक्वल टू साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री हो तो सिद्ध करें। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। अब देखिए ये कोस में है, ये साइन में है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो साइन में आएगा। अब यहाँ देखिए साइन में है, ये दोनों कोस में है, ये दोनों साइन में, उस समय क्या था, दोनों साइन में था तो कोस में कन्वर्ट किए। अब ये दोनों कोस में अगर LHS से बनाते हैं, तो ये मेरा दोनों कोस में है, तो कोस में है तो इसको दोनों को तोड़ेंगे तो साइन में आ जाएगा। उस समय इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, दोनों साइन में था, LHS लिए थे दोनों साइन में था, अगर साइन में था तो दोनों को तोड़े तो मेरा कोस में आया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कोस, दोनों कोस में है, अगर दोनों को तोड़ेंगे तो दोनों मेरा साइन आ जाएगा, RHS मेरा क्या होगा, प्रूव होगा। चलिए क्वेश्चन, LHS है कोस 1 डिग्री माइनस कोस 89 डिग्री। तो कोस 90 में अगर 1 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 89 डिग्री हो जाएगा, माइनस कोस, और 90 में 89 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 डिग्री बचेगा। अब कोस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा माने हैं, कोस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन थीटा, थीटा ये कितना है 89 डिग्री, ये 89 डिग्री हो गया, माइनस कोस 90 माइनस 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, साइन 1 डिग्री। अब देखिए RHS मेरा क्या है, साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री, तो मेरा प्रूव हो गया। तो लिखेंगे आता LHS इक्वल टू RHS प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री नंबर आपका दिया हुआ है, उसमें था दोनों साइन था, इधर कोस में कन्वर्ट करना था, सेकेंड टर्म था दोनों कोस में था तो साइन में कन्वर्ट करना था। अब इसमें दिया है साइन एक है एक कोस है, इसमें देखिए कोस है साइन है,
चेंजिंग थोड़ा किया हुआ है इसमें। इसमें क्या किया, एक साइन है, एक कोस है, एक कोस है, एक साइन है। तो ये मेरा एलएचएस हो गया इतना भाग, और इतना भाग आरएचएस हो गया, तो एलएचएस से बनाते हैं। एलएचएस मेरा है साइन 65 डिग्री इंटू कोस 38 डिग्री। अब ये ध्यान में रखना है कि ये साइन 65 डिग्री है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कोस मेरा आएगा, और इसको तोड़ेंगे तो साइन आएगा। तो क्या है, इसको भी तोड़ना होगा, इसको भी तोड़ना होगा। किस पर तोड़ना होगा, 90 डिग्री पर तोड़ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह हम क्या, अगर 90 में 65 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 आएगा। इंटू कोस 90 में, अगर 90 में 38 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा। थीटा यह कितना है, 25 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया, 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 52 डिग्री। अब देखिए ये एल एच एस था, तो आर एच एस क्या है, कोस 25 डिग्री साइन 52 डिग्री। प्रूव हो गया, तो लिखेंगे अतः एल एच एस इजकल टू आर एच एस। प्रूव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर आपका दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री इजकल टू 1 हो तो सिद्ध करें। तो इसमें कोसेक स्क्वायर है और माइनस 10 स्क्वायर है, इजकल टू 1 है। तो ये इतना एल एच एस हो गया, ये आर एच एस हो गया। अब इसमें थोड़ा सा उससे हटके क्वेश्चन है, तो एल एच एस उतारते हैं। कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री, ये एल एच एस हो गया। अब इसमें ये ध्यान देना है, ये दोनों में से एक किसी को तोड़ना है, क्योंकि ये 10 में है, या 10 का तोड़े तो कोटा कोसेक आएगा। ये आपका दिया हुआ 10 में है, ठीक। अब ये 23 डिग्री है, तो इसको अगर कोसेक है तो दोनों को अगर इसको तोड़ेंगे तो मेरा कन्वर्ट करेंगे, दोनों का फॉर्मूला बेस आना चाहिए। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 67, अगर 90 में 67 घटाएंगे कितना आएगा, 23 आएगा। माइनस इसको रहने देते हैं 10 स्क्वायर 23 डिग्री, इसको नहीं तोड़ते हैं। तो कोसेक, यहाँ देखिए नोट थोड़ा कर रहे हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अगर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री। इसका पहले के फॉर्मूला में लिखाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये पहले पहले ही क्लास में बताए थे, फर्स्ट ही क्लास में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये इतना को हम थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। इसको भी थीटा मान लिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वन हो गया तो मेरा आर एच एस क्या है, आर एच एस भी 1 है, तो क्या लिखेंगे, अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक। ये ध्यान में हमेशा ध्यान में देना होगा कि ये कोसेक स्क्वायर है और ये माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये थोड़ा सा उससे क्वेश्चन हट के है, थोड़ा इसमें विशेष ध्यान देना होगा। कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल टू 1 है, तो ये सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तब तो बेस ये तेज थीटा थीटा जो है ना सेम होना चाहिए। तो अगर ये 67 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, तो फार्मूला पर नहीं बैठेगा, इसलिए दोनों का बेस क्लियर करेंगे। अगर इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तोड़ने के बाद मेरा सेम हो जाएगा। जैसे कि इसको हम तोड़े, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला पर आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि ये थीटा थीटा ये समझाने के लिए यहाँ नोट किए हुए थे, इसको मिटा देते हैं। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, आर एच एस मेरा 1 है, तो रहता है एल एच एस इजकल टू आर एच एस, प्रूव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन है 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इजकल टू 1 हो तो सिद्ध करें। इसमें थोड़ा सा उससे भी हटके क्वेश्चन है, इसमें ये ध्यान देना, पहले एल एच एस, एल एच एस मेरा यहाँ तक इजकल टू से पहले एल एच एस हो गया, उसको नोट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं। 10 15 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री
75 डिग्री। तो ये ध्यान में रखना है, इसका वैल्यू होता है, इसका मान भी होता है, इसका मान होता है, इसका मान होता है, लेकिन इसका मान नहीं होता है, इसका मान नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 15 डिग्री को हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे, 10 15 को अगर 90 में तोड़ेंगे, 90 अगर 90 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75, 75 हो जाएगा। ये 75 हो गया, और ये 10 30 डिग्री, और ये 10 45 डिग्री इंटू है, और ये 10 60 डिग्री, और ये 10 75, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये 75 है तो ये भी 75, इसको तोड़ेंगे कोट हो जाएगा, उसका ये कट जाएगा। तो 10, यहाँ फार्मूला पहले लिखाए भी थे कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये फार्मूला पहले भी एक दो क्लास के पहले लिखाए थे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कोट 75 डिग्री और इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री और इंटू 10 60 डिग्री और इंटू 10 75 डिग्री। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, पहले फार्मूला आपको लिखाए थे कि कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, कोट को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, या 10 थीटा को 1/cot थीटा। अगर नहीं लिखाए होंगे तो ये साइड में नोट कर देते हैं। अगर कोट थीटा और 1/10 थीटा, तो इस जगह कोट थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 75 डिग्री इंटू, इसका मान होता है, मान बैठा देते हैं, 10 30 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 60 के मान √3, और ये 10 75 है। देखिए ये ऊपर नीचे ये कट जाएगा, 10 75 10 75 कैंसिल हो गया, ये भी √3 √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। तो RHS मेरा क्या है, 1 है, तो अब क्या हो गया, अतः LHS इजकल टू RHS पूर्व। तो इसमें ध्यान देना है कि 10 15 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 75 डिग्री, तो इसमें इसका वैल्यू होता है, इसका मान होता है, इसका मान होता है, इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता। तो इस दोनों में से कोई एक को तोड़ना है, या इसको तोड़िए या इसको तोड़िए। तो इससे मेरा क्या होगा, एक ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू रख देंगे, उसका जो कट उठ के आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।